Oh, that's gone for four. Shot outside off stump. Enough room for Shahbaz to play that shot. रॉक्स बंगाल T20 चैलेंज चल रहा है, T20 के ये मुकाबले, और इसमें आज 18वां मैच हुआ TMC टपन मेमोरियल क्लब, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं मेवाती होनहार खिलाड़ी शहबाज अहमद। इस मैच के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनकी कप्तानी में TMC लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अभी इस टूर्नामेंट में वो किस स्थान पर मौजूद है। ये मैच खेला गया मोहन बगान के बीच में, TMC और मोहन बगान के बीच में पहले बल्लेबाजी की और 129 रन का स्कोर खड़ा किया मोहन बगान की टीम ने। शहबाज अहमद ने दूसरे गेंदबाज के तौर पर शुरुआत की और चार ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन देकर एक अहम सफलता हासिल की। तो ये उनकी गेंदबाजी रही आज की, और कुल मिलाकर जो टीम है मोहन बगान की, वो 129 रन बनाने में कामयाब हुई। जब पीछा करने के लिए उतरी टपन मेमोरियल क्लब, तो गौरव चौहान और कौशिक घोष के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। अर्धशत की साझेदारी, 51 रन पर पहली विकेट गिरी, उसके बाद कौशिक घोष भी आउट हो गए 59 रन पर जब दूसरी सफलता गिरी। उसके बाद शहबाज अहमद बल्लेबाजी करने आए और क्या कमाल का प्रदर्शन उन्होंने आज एक बार फिर दिखाया। इस पूरे टूर्नामेंट में शहबाज अहमद ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की है और तेज़ भी बल्लेबाजी की है। अगर एक मैच की हम बात छोड़ दें, जिस एक मैच में, हालांकि उस मैच को भी शहबाज अहमद की टीम ने जीत हासिल की थी, उस मैच में वो थोड़ा धीरे खेले क्योंकि कैफ अहमद ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसमें 51 रन की पारी खेली थी। इस मैच में शहबाज अहमद ने अर्धशतक लगाया मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें उन्होंने दो बार गेंद को चौके के लिए भेजा और 5 बार उन्होंने छक्के, यानी कि 5 बार उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। 5 छक्के और 2 चौकों की मदद से 212 की स्ट्राइक रेट से शहबाज अहमद ने 51 रन की पारी खेली, और जब उनका विकेट गिरा तो महज 10 रन की ज़रूरत थी टीम को जीत हासिल करने के लिए और काफ़ी ओवर बाकी थे। कुल मिला के 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर TMC ने मुकाबला जीता। और जहां तक बात है इस पूरे टूर्नामेंट की, तो पूरे टूर्नामेंट में टपन मेमोरियल क्लब दूसरे नंबर पर चल रहा है। 6 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं और शहबाज अहमद की कप्तानी में कुल मिलाकर अब तक 16 अंकों के साथ ये टीम टपन मेमोरियल क्लब दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर 20 अंकों के साथ दूसरी टीम है शहबाज अहमद की टीम, यानी टपन मेमोरियल क्लब दूसरे स्थान पर चल रही है। और ऐसा लग रहा है जिस रिदम के साथ टीम खेल रही है और जिस तरीके से शहबाज अहमद का और दूसरे खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, उससे ऐसा लगता है कि ये टीम सेमीफाइनल में ज़रूर पहुँचेगी और इस टूर्नामेंट को भी अपने नाम करेगी। इस उम्मीद के साथ कि शहबाज अहमद अपनी टीम को, अपने आप को और मेवात के नाम को रोशन करेंगे और टपन मेमोरियल क्लब को खिताब दिलाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।